ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो ज्योतिष की है, और वो जो उपाय हैं ज्योतिष के उपाय, बिना अगर ज्योतिष ज्यादा जानकार नहीं है तो उसके उपाय कभी कभी आपको बर्बाद कर सकते हैं। अक्सर सही जानकारी के अभाव में सामान्य जन किसी के भी कहने पर ज्योतिष उपाय अजमाने लगते हैं, तो ऐसा कतई नहीं करें। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के अजमाए गए उपाय कई बार हानिकारक सिद्ध होते हैं? कभी भी, पहले चीज बता रहा हूं, कभी भी उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए और नीच ग्रहों की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। कुंडली में गुरु दशम भाव में हो या चौथे भाव में हो तो मंदिर निर्माण के लिए धन नहीं देना चाहिए, यह अशुभ होता है और जातक को कभी भी फांसी तक पहुंचा सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो कभी भी पीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। 12वें भाग में चंद्र हो तो साधुओं का संग करना बहुत अशुभ होता है, इससे परिवार की वृद्धि रुक सकती है। सप्तम अष्टम में सूर्य हो तो तांबे का दान नहीं करना चाहिए, धन की हानि होने लगेगी। मंत्रोच्चार के लिए शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। जब भी मंत्र का जाप करें उसे पूर्ण संख्या में करना चाहिए। मंत्र एक ही आसन पर एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद दशांश हवन अवश्य करना चाहिए, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ लोग वार के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उनके वस्त्र पहनना शुभ है, लेकिन जो ग्रह शुभ नहीं है उनके रंग का वस्त्र पहनना गलत हो सकता है। कई बार किसी से सलाह दिए बिना कुछ लोग मोती पहन लेते हैं, यह गलत है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो मोती पहनने से व्यक्ति में अवसाद आ सकता है। अक्सर देखा गया है कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिष बिना कुंडली देखे पुखराज पहनने की सलाह दे देते हैं, इसका उल्टा प्रभाव बताया और शादी ही नहीं होती है। फिर कुंडली में गुरु नीच का है तो अशुभ प्रभाव में है, अशुभ भाव में हो तो पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए। कई लोग घर में मनी प्लांट लगा लेते हैं यह सुनकर कि इससे घर में धन की वृद्धि होती है, लेकिन तथ्य तो यह है कि अगर बुध खराब हो तो घर में मनी प्लांट लगाने से घर की बहन बेटी दुखी रहती है। कैक्टस या कांटे वाले पौधे घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है, अतः जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उन्हें ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।